अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अजीज तलबा, आज हम इंशाल्लाह नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये हमारा मैथ 8 चैप्टर, गोया कि ये चैप्टर 12 है। इस चैप्टर में हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंट्स किसको कहते हैं, पावर किसको कहते हैं या बेस किसको कहते हैं। आपने इस तरह की शक्ल देखी होगी, जैसे 10 स्क्वायर या 10 टू दी पावर 3। इसको हम कहते हैं 10 रेज्ड टू दी पावर 3, 10 रेज्ड टू दी पावर 3 या 10 रेज्ड टू दी पावर 24, 25, 26, जो भी नंबर हम दें। इसको शॉर्टकट में हम कहते हैं 10 रेज्ड टू दी पावर 3 को कहते हैं 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 9। अब यहां पे इस 10 को हम कहते हैं बेस और इस 3 को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, इसका मतलब यह होता है अगर आपने लिखा है 10 स्क्वायर या 10 टू दी पावर 2, इसका मतलब है कि हम 10 को दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही अगर 10 टू दी पावर 3 है तो गोया कि हम 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही अगर 10 को हमने m या n कोई भी नंबर दिया तो हम 10 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतनी बार जितना यहां पे पावर रहेगा। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये कि जो 10 का पावर है या 2 का जो पावर है ये क्या था, प्लस में था। आज हम यहां एक नया दर्स शुरू करेंगे और उसका ताल्लुक होगा, ये जो पावर है ये माइनस में होगा, यानी ए का जो पावर होगा वो माइनस में, कोई भी अदद ए जो कोई भी अदद हम मान लेंगे, इसका जो पावर होगा, एक्सपोनेंट्स जो होगा वो माइनस में होगा। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे, हम एक पैटर्न लेते हैं, एक पैटर्न के जरिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ए टू दी पावर एन या ए टू दी पावर माइनस एन ये कैसे आता है। हमने यहां पे देखा 10 स्क्वायर को हमने लिखा था ऊपर 10 जरबे 10 बराबर हो गया था हमारा 100। अगर हम ये सिर्फ 10 को एक पावर दें तब क्या होगा, इसको सिर्फ एक पावर दें तो हम 10 को सिर्फ 10 ही लिखेंगे, गोया कि ये 10 बटा 10 है, 10 बटा 10 बराबर 10। अगर हम इसको जीरो पावर दे दें तब क्या बनेगा, ये 100 बटा 10 है, सॉरी, अगर हम इसको जीरो पावर देंगे तब क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी अदद का जब हम जीरो पावर देंगे या उसका एक्सपोनेंट जीरो होगा तो वो जीरो एक हो जाएगा डायरेक्टली, चाहे 100 हो, चाहे 50 हो, चाहे 200 हो, जैसे हमने उसका जीरो पावर दिया वो धड़ाक से एक बन जाता है। ऐसे ही किसी भी अदद को अगर हम एक पावर दें तो वो एक ही है, गोया कि वो खुद अपने आप ही से उसी असली हालत पे बाकी है, उसको दो बार मल्टीप्लाई नहीं किया गया, उसको उसके दो बार अदद से मल्टीप्लाई नहीं किया गया। इसलिए यहां देखें, जब 2 था पावर तो हमने 10 को दो जगह पे लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया, जब 1 था पावर तो हमने उसको एक ही जगह पे लिखा, और जब उसका 0 पावर हुआ तो वो जो 10 था या 20 या 100 50 जो भी नंबर था वो डायरेक्टली 0 पावर होने की वजह से डायरेक्टली वो 1 बन गया। तो ये कैसे लिखा जाएगा, अगर हमको इसे लिखना हो 10 बटे 10,
और 10 बटे 10 बराबर 1, क्योंकि हम 10 से इसको काट देंगे, 10 से इसको काट देंगे, हमारे पास बचेगा 1। अब इसी पैटर्न पर हम आगे बढ़ते हुए अगर हमारे पास है उसी का उल्टा, यहां पे क्या था, पावर प्लस था कोई भी, तो 1, 2, 3, 4। अब हमने इसको माइनस कर दिया, अब जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। क्या बन जाएगा ये, 1/10 बन जाएगा। क्यों, गोया कि हम इसे 10 से तकसीम कर रहे हैं, उसमें एक्सपोनेंट जब प्लस में होता था तो हम मल्टीप्लाई कर रहे होते थे, अब यहां पे हम उसी का उल्टा तकसीम करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, यानी उसका दसवां हिस्सा कम हो गया, जितना नंबर जितना माइनस होगा उसका उतना हिस्सा वो कम हो जाएगा। तो ये 10 था, जब इसका माइनस पावर लगा तो ये उसी का दसवां हिस्सा कम हो गया, ये बन गया 1/10। अब अगर ये 10^-2 है या 10^-4 है, -2 है, तब क्या बनेगा, अब यहां पे तो 1 का बन गया माइनस 1/10 बन गया, और उसका फिर दसवां हम उसको फिर 10 से तकसीम करेंगे, क्या बन जाएगा ये, 10 से हम तकसीम करेंगे, तो गोया कि ये बन गया 1/10 तकसीमा 10/1। अब हम इसका रिसिप्रोकल निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1/10 जरबे 1/10, ये बन गया 1,1 और ये बन गया 100। अब इसी 100 को, यही इसकी शक्ल बनी, अगर इसी 100 को आप पावर में लिखे तो क्या लिखेंगे, 1/10 और इसका हम नीचे को स्क्वायर कर देंगे, हो गया 100, क्योंकि ये असल में क्या था, 10 ज़र्बे 10 था ये वाला हिस्सा, ये देख रहे हैं यही 100 हुआ। और 100 का अगर हम 100 को अगर हम पावर की शक्ल में एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखेंगे तो हम उसे उसका स्क्वायर बना देंगे। तो आपने देखा, अब जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसी के मुताबिक वो मजीद उसका हिस्सा बनता जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर 10^-3 है तब क्या होगा, 10^-3 है, अब यहां पे देखा आपने कि 10^-2 क्या बना था, 1/100, तो आ जाएगा डायरेक्टली 1/100। अभी 1 बचा हुआ है, हम उसको तकसीम कर देंगे किससे, 10 से। अब 10 से तकसीम करेंगे तो इसी तर्ज पर इसको भी कीजिए, 1/100 जरबे 10/1, इसका रिसिप्रोकल ले आइए, हो जाएगा ये 1/100 जरबे 1/10, ये हो गया 1, और 100 को आप जरब कर देंगे बन जाएगा 1000। अब ये और ये दोनों सेम है, और आप इसको अगर एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1000 का, आप एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखे 1/10^3, यानी 10^10^10, ये बन गया 100, और फिर उसको जरब कर दिया 10 से, ये बन गया 1000। तो इस तरह से हम माइनस वाले एक्सपोनेंट को लिखते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 3^3। अब गोया कि ये था 3^3^3, कितना हो गया 27। अब अगर हम इसको 2 का पावर दें, 3 को 2 का पावर दें तो क्या बनेगा, 3^3। अब ये 3^3 कितना है, 9, यानी हमने गोया की 27 को 3 से तकसीम कर दिया, इस 27 को हमने 3 से तकसीम कर दिया, 3^3 और 3^9 27, यही जवाब आ गया कि नहीं आया, इस जो ये 3 था इधर, 1 जब पावर कम हुआ तो इस वाले 3 से हमने इसको टोटल को उसका जो पहले था उसको हमने तकसीम कर दिया। अब आइए
थ्री का पावर वन देते हैं, कितना होगा? थ्री होगा। अब ये थ्री जो था गोया कि हमने नाइन से थ्री को, नाइन को थ्री से हमने तकसीम कर दिया, हमको मिला थ्री। अब हमने थ्री का पावर जीरो कर दिया, और किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो हो जाए तो वो एक बन जाता है, तो इसके यहां आया एक। कैसे? गोया कि हमने इस थ्री को हमने फिर थ्री से डिवाइड कर दिया, हमको मिल गया एक। अब इसी तर्ज पर हम इसको उलट दें, क्या करें, इसको हम उलट दें, यानी थ्री माइनस वन पावर कर दिया, अब इस क्या बनेगा, गोया कि हमने एक से डिवाइड कर दिया, किसको, एक को डिवाइड कर दिया थ्री से, अब क्या हो जाएगा, एक बटा तीन। ये जो आपका है माइनस, उसको हमने डिवाइड कर दिया एक से। अब थ्री का हमने पावर दिया टू, अब इसको करना क्या है, अब एक का जो पावर था हमने, उस पर हमको मिला था एक बटा तीन, अब एक बटा तीन को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे हम यहां पे करते हुए गए थे। अब जब हम एक बटा तीन को तीन से डिवाइड करेंगे तो गोया कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो उसी के मुताबिक आएगा, यानी गोया कि ये तीन बटा एक हुआ, और हम इसको इसके साथ सॉल्व कर देंगे, इसके साथ सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा एक बटा तीन बटे तीन, यानी एक बटा नौ। और नाइन को हम कैसे लिख सकते हैं, वन अपान थ्री स्क्वायर, यहां पे माइनस था तो वो सीधा माइनस हट गया और एक बटा हो गया। यहां देखें सेम, ये नीचे वाला हिस्सा सेम है, बस माइनस की जगह पे हमने उसको बटे में कर दिया, माइनस को हटा दिया, उसको एक बटा कर दिया। ऐसे ही थ्री को ले लीजिए, थ्री माइनस पावर थ्री है, अब यहां पे क्या था, हमको मिला था वन अपान नाइन, किस शक्ल में, अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या बनेगा, वो थ्री स्क्वायर। अब थ्री, वन अपान थ्री स्क्वायर को हम क्या करेंगे, थ्री से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या बनेगा, वन थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री अपान वन, हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, हम इससे इसको जरब करेंगे, इससे इसको जरब करेंगे, तो ये बन जाएगा एक जरब एक और थ्री स्क्वायर इंटू थ्री। अब देखिए यहां पहले से स्क्वायर है, एक और आ गया, ये गोया बन गया कितना, थ्री टू दी पावर थ्री, ये एक हो गया। अब ये गोया कि था तीन जरबे तीन, ये इसके साथ हो गया था, अब एक और तीन आ गया तो ये हो गया तीन, तो थ्री स्क्वायर बन गया, ये बन जाएगा थ्री टू दी पावर थ्री। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये बात समझ में आई होगी, और अब अगले क्लास में इंशाल्लाह हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे कि कैसे इसको जोड़ा जाए, कैसे घटाया जाए, कैसे तकसीम किया जाए, कैसे ज़रब किया जाए, जैसे कि हम लोग इससे के पहले क्लासेस में पढ़े हैं।